हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो वैकेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, जिसमें कि कांस्टेबल की प्रोफाइल है और स्पेशली जो स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं, इसमें 26 डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स दिया गया है, इसके थ्रू जो है इसमें रिक्रूटमेंट होगा, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं कांस्टेबल की प्रोफाइल है, कैसे अप्लाई करना है, एक नंबर ऑफ वैकेंसी, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये एजुकेशन चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली। सो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें 534 वैकेंसी है, 335 वैकेंसी पुरुष के लिए है, 199 वैकेंसी महिलाओं के लिए है, राइट। सो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोटा है, उसमें नेशनल लेवल, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर दोनों, फेडरेशन कप नेशनल, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल या नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, इन सभी तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसमें एलिजिबल होंगे। तो पुरुष के लिए कौन कौन सा स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स 42 सीट है, वॉलीबॉल 10 सीट है, बास्केटबॉल 13 सीट है, हैंडबॉल 12 सीट है, कबड्डी 10 सीट है, फुटबॉल 20 सीट है, टेबल टेनिस 4 सीट है, बैडमिंटन 6 सीट है, क्रॉस कंट्री 8 सीट है, हॉकी 20 सीट है, एंड तीरंदाज में 12 सीट है, जिम्नास्टिक में 12 सीट है, भारोत्तोलन में 10 सीट है, बुशु में 9 सीट है, जूडो में 10 सीट है, बॉक्सिंग में 11 सीट है, ये सिर्फ मेल के लिए है, राइट। एथलेटिक में 57 सीट है, तैराकी में 21 सीट है, राइट। ताइक्वांडो 8 सीट है, शूटिंग में 14, साइकिलिंग में 6, कुश्ती में 20। टोटल 335 वैकेंसी मेल के लिए है, 22 डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, राइट। अब महिला की बात करें तो वॉलीबॉल में 10 महिला के लिए, बास्केटबॉल के लिए 10, कबड्डी के लिए 10, टेबल टेनिस के लिए 2, बैडमिंटन के लिए 4, क्रॉस कंट्री के लिए 6, हॉकी के लिए 12, तीरंदाज के लिए 10, भारोत्तोलन के लिए 8, बुशु के लिए 6, जूडो के लिए 10, बॉक्सिंग के लिए 8, एथलीट के लिए 46, तैराकी के लिए 8, ताइक्वांडो के लिए। अब यहाँ पे शूटिंग के लिए 8, साइकिलिंग के लिए 4 एंड कुश्ती के लिए 18। टोटल 199 वैकेंसी ये महिलाओं के लिए, राइट। एज जो है मिनिमम एज 18 रखा गया है, मैक्सिमम एज 22 रखा गया है। तो अब यहाँ पे अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसमें 2 साल का और, यहाँ तो 16 साल रख लिया जाएगा और यहाँ पे कितना 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा, 27, 16 से 27 हो जाएगा, किसके लिए, जो अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th पास होना चाहिए, राइट, किसी भी बोर्ड से, राइट। सो ये चीज़ें हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए upp.bpb.gov.in पे, एक्चुअली अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड देन फिर जो है आपका ये फी 400 रुपीज़ पे करना है, राइट। एंड देन फिर आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी लाइक रिटेन होगा एंड ऑल दिस थिंग, या नहीं होगा या ट्रायल होगा, तो वो सारा कुछ इसमें रिलीज किया जाएगा, तो हम आपके साथ और शेयर करेंगे पूरा डिटेल, राइट। सो गुड लक फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। सो नए वैकेंसी के साथ मिलते हैं कल, सो गुड लक, मिलते हैं, थैंक यू।